प्रोडक्ट सिल्वर में है, वो यूज कर लेंगे जूम। अच्छा नागरिक हमारा जो ये प्रोग्राम हर हफ्ते आप देखते हैं, ये नागरिक परिवर्तन के मुतालिक है। इस प्रोग्राम का नाम सुकून की तलाश है और इसमें मैं और फायद साहब रहबर का किरदार अदा करते हैं और हमारे कुछ और कवि होते हैं जो अपने तजुर्बा और तस्करा बयान करते हैं। सॉरी ये मैं हर बहुत दो नागरिक हम आपकी खिदमत में सुकून की तलाश प्रोग्राम लेकर दोबारा हाजिर हुए हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको सुकून हासिल करने के तरीके सिखाते हैं, खुद एतमादी बेहतर बनाने के तरीके और अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के तरीके सिखाते हैं और जिंदगी में हर तरह की कामयाबी हासिल करने के तरीके सिखाते हैं। और ये जो आज का हमारा मौसम है इसका मौजूद है कामयाब ताल्लुका। तो सबसे पहले मैं अलावा देखी हूँ फायद्याल साहब फायद साहब पर हमें इस प्रोग्राम से आकर हैं और ये हमारे श्रोता हैं। फायद साहब साहब मैं आपको दावत देती हूँ कि आप कामयाब ताल्लुकात के मौके पर अपने ख्याल का एहसास करवाएं। क्योंकि डॉक्टर शाम ने जी किस्मतारा खान जी वैसे तो कहने को तो काफी बेसिक गाइडलाइंस है अच्छे ताल्लुकात के लिए, जैसे कम्युनिकेशन के बारे में बात की जाती है, बिजनेस रिलेशनशिप की बात की जाती है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात की जाती है। लेकिन कटिंग इट शॉर्ट, मैं अगर आप लोगों को मेरे काम का अंदाजा हो तो मैं पिछले 10 साल से स्टूडेंट रिलेशनशिप में काउंसलिंग करता रहा, तो मैंने जो चीज नोट किया वो यही है कि बेसिकली जितने भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उसकी जो बुनियादी वजह उसकी हमारा दीन से जुड़ी है। इनके आप ये सोचिए कि जितनी भी मॉडर्न किताबें हैं, मेरी अगर आपने टुगेदर पर अगर आप देखी हो तो उसमें भी ये बात साबित होती है कि जितनी भी बुनियादी वजूहत हैं रिलेशनशिप, किसी किस्म के रिलेशनशिप की, चाहे वो दवाजी से ताल्लुकात हैं, बच्चों के वालदेन के ताल्लुकात हैं, या दोस्तों के साथ ताल्लुकात हैं, या आपके ऑफिस में कोई के साथ ताल्लुकात हैं, बुनियादी वजह यही है कि ना ही हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें हमें कभी कोई मैनेज की है किसी से दूसरे से बात करने का तरीका सिखाया हो, ना कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बताएंगे किसको इंटरप्ट करना है कैसे करना है, ना हमारे पेशेंट है ना प्रॉब्लम्स है। तो बुनियादी वजह ऐसे कौनी ने कुदरत की जब बात की जाती है तो पुराने पाक में भी उन्हें उनके हदीस से बड़ी साफ तरह से वाजह है, खुदा ताला ने हर इंसान को हर दोनों तरफ से उसमें डाइवर्सिटी के काम कर रखी है। डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि जो खूबी एक शख्स में है वो दूसरे में नहीं हो सकती, और 1947 से अगर आप पर्सनैलिटी थ्योरी को देखें, MBTI साइकोलॉजिकल थ्योरी है, बहुत अमेरिका में यूज होती है, वर्ल्ड वाइड की रिकग्निशन है, वो बात भी यही एक्जैक्टली बात प्रूफ करती है और उसकी प्रूफ यही करती है कि हर इंसान में जैसे अगर 16 किस्म की पर्सनैलिटी टाइप्स हैं तो अगर एक शख्स ज्यादा बोलने वाला है दूसरा जो शख्स होगा वो उसमें बोलने की सलाहियत अगर कम है तो वो खामोश रहने वाला होगा। बदकिस्मती यह है कि हम जब रिलेशनशिप किसी में भी जाते हैं तो हम लोगों को अपना जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम अप्रिशिएट करें डिफरेंसेस को और डाइवर्सिटी के ऊपर बिल्डअप करें कि यही रेस्पर करें। अगर एक शख्स से बोलने की सलाहियत अच्छी है तो दूसरे में साथ उसका एक नेगेटिव पहलू भी होगा, जैसे अक्सर बार मैं ये बात कहता हूं कि खुदा ताला के यहां भी कोई चीज फ्री में नहीं है। अगर एक खूबी आती है जैसे तजर्बा जब आता है, जिस शख्स के पास तजर्बा ज्यादा है तो साफ जरा उस तजर्बे के साथ उसका जो रिस्क टेकिंग की सलाहियत है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से जो बच्चा है उसमें तजर्बा नहीं है लेकिन उसमें रिस्क टेकिंग बहुत है, उसमें क्रिएटिविटी बहुत है। तो हर चीज जो आती है उसके साथ कोई ना कोई चीज चली भी जाती है, और हदीस से भी इस बात की साबित होती है कि जैसे एक शख्स दूसरे से फर्क है, और स्पेशली जब जेंडर में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़े आप पर्सनैलिटी के फर्क हैं, अंडरस्टैंडिंग है। इवन के साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि लैंग्वेज एक ही वर्ड की इंटरप्रिटेशन फर्क है, वही इंटरप्रिटेशन औरत कोई और वर्ड में लेगी और आदमी लेगी, साइकोलॉजिकल नीड्स फर्क है। तो बजाय इसके कि उस डाइवर्सिटी पे हम बिल्ड करना शुरू करें, हम दूसरे को पूरी कोशिश रिलेशनशिप में ये की जाती है कि मैं किसी तरीके से इसको अपने तरह का बना दूं। तो आई थिंक बेसिक उसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो यही है कि वी नीड टू एक्सेप्ट पीपल एज इंटरटैलिटी, एक दूसरे को ये सोच के एक्सेप्ट किया जाए कि जो शख्स में 5 निशानियां हैं तो ये हो नहीं सकता कि मेरे 5 निशानियां मौजूद हों और उसके साथ में बुराई ना हो, तो ये इम्पॉसिबल है। 16 पर्सनैलिटी टाइप्स के अंदर भी आज तक ये नहीं निकल सका कि ये एक शख्स है जिसमें ज्यादा खूबियां होंगी, हर एक में खूबियां। अगर कोई दिमाग का इस्तेमाल करता है दिमाग ज्यादा तो साफ तरह दिन की तरफ से थोड़ा सा कम होगा, जैसे ये कहा जाता है कि पर्सनैलिटी टाइप्स के हवाले से कि डिफरेंट तरह के लोग हैं,
इवन कि हम डेटा जैसे गैदर करते हैं, उस डेटा को जब गैदर किया जाता है, कोई लोग उसको इंट्यूशन से गैदर करते हैं, कोई अपनी हिसिस जो अपने आपकी पांच हिस हैं उनसे गैदर करते हैं देखने की, फिर उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। कोई लोग उसको दिमाग में प्रोसेस करते हैं, कोई उसको दिल में प्रोसेस करते हैं, जिनको आप थिंकर कहते हैं या फीलर कहते हैं। उसी तरीके से जब वो डेटा यूज किया जाता है, कोई उसको जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, कोई उसको अगेन परसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम फिर यही सोच लें कि अगर जैसे इसमें हदीस है, इसी बात को पर एक हदीस मिलती है कि अगर तुम्हें अपनी बीवी में कोई बुराई नजर आया तो उसमें चाहिए भी तुम, तो तुम उस पर फोकस करो। तो हम मतलब इसमें भी फिर जितनी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है उसमें ये चीज नजर नहीं आती। तो ये पहला पॉइंट तो यह है कि पर्सनैलिटी का सचिंग लाइफ थ्री लंचेज, अगर इसमें दो खूबियां हैं तो उसके साथ डेफिनेटली उसकी दूसरी एक थ्री साइड जरूर होगी और हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। नंबर दो जो बात इसमें कम्युनिकेशन के हवाले से मैं अक्सर बार लोगों में नोट करता हूँ और मुझे अजीब सा लगता है, समझ नहीं आती, शायद उसकी वजह यह है कि 12-13 साल से उसके बाद हमारे लिए वो अब प्राइमरी लेवल की चीजें बन गई हैं, माइन्यूट चीजें हैं। तो इस चीज का शिद्दत से एहसास होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बुनियादी जो मैनर्स हैं बात करने के, पर किस्मती से वो आज तक हमें कहीं किसी स्कूलिंग सिस्टम में हमारी एजुकेशन का वो हिस्सा ही नहीं रहे कि वो टॉलरेंस पेशेंस तो बात की बात है, वो तो एक एटीट्यूड का हिस्सा है, लेकिन बुनियादी जो मैनर्स हैं कि अगर एक शख्स बात कर रहा है उसकी बात को सुनना और ये सोच के सुनना है कि मुझे बात कर रहा है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, जैसे बुनियादी हक है मेरा कि मेरी अपनी ओपिनियन है, तो इसी तरीके से दूसरे शख्स का भी बुनियादी हक है वो अपनी ओपिनियन पेश कर रहा है। इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे अपनी तरह लगे, और मेरा यह बुनियादी हक है कि मैं उसकी ओपिनियन को मानूं या ना मानूं, लेकिन मैं किसी को बोलने से रोकने का मेरे में मुझे अल्लाह ताला ने या मेरे दीन ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं लोगों को बोलने से रोकूं। ये मेहनत की बात है, इंटरप्शन बड़ी होती हैं, पीपल डू कम्युनिकेट लॉट, दे नॉट ट्रैवल बट ट्रिपल, तो आप ये कह सकते हैं कि दे डू टॉक लॉट बट दे डोंट कम्युनिकेट लॉट। जी जब मैं रिलेशनशिप में कोई झगड़ा होता है मेरा पहला सवाल ये होता है कि जी आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, वो कहते हैं हाँ जी 3-4 घंटे बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो बात हो रही होती है और मेरे सामने भी बैठे बात की जाती है तो पता ही चलता है कि जैसे मेरे सामने बैठे बात करें वैसे ही अभी घर में बात करते हैं। तो उनका मतलब है कि कोई किसी को नहीं सुन रहा, जब एक शख्स अपनी बात कर रहा है तो दूसरा उसको अटैक समझ के उस वक्त ये प्रैक्टिस कर रहा होता है कि मैंने उसका जवाब कैसे दे रहा, वो बिल्कुल उनके चेहरे के तासुरात से ये नजर आ रहा होता है कि ये बात सुन नहीं रहा, ये तैयारी कर रहा है कि मैंने इसका अटैक का जवाब कैसे दे रहा है। तो ये लोगों को बुनियादी जो फर्क है कि हेयरिंग तो नेचुरल फिनोमिना है, ये अभी शोर की आवाज आई ये तो हम ने सुनना ही सुनना है, लेकिन किसी की बात को गौर से सुनने के लिए जो वो जो जिसको हम लिसनिंग कहते हैं वो रिलेशनशिप की जान है। और आज मैं अभी अपनी नई किताब आज का लिख रहा हूँ माइंड में मैनर्स, मैनर्स के हवाले से, उसके लिए काफी हदीस पे रिसर्च में कर रहा था, तो उसमें मुझे मेरा एक फेस बन चुका हुआ है कि अगर कोई मॉडर्न रिसर्च कुछ भी कहती है तो ये हो नहीं सकता कि हमारे दीन का कहीं ना कहीं हिस्सा ना। तो मुझे काफी देर से मैं इसमें कोशिश में रहा और आज इतना खुश हुआ कि आज मुझे वो हदीस मिल गई कि मैं भी बात कर रहा हूँ। हर रात को सोने से पहले शिक्षक के ऊपर अपने वाइफ के साथ पूरे दिन के मसाइल जो होते थे वो डिस्कस किया करते थे। बदकिस्मती यह है कि हमारे घरों में टीवी आ गई, इसको आप खुशकिस्मती के लिए आप बना सकते हैं कि बनाना चाहें, लेकिन इसका हमने अननेसेसरी आप ये समझ लीजिए कि यूज करने की बजाय हमने इन चीजों का यूज करना शुरू कर दिया। आजकल जमाना यह आ चुका है कि इंसान बाद में सोते हैं, पहले इंसान सोता है, अब यह हालत है कि इंसान अभी सोया और उसके बाद टीवी सोता है, वो टाइमर लगा के लोग 30 मिनट के बाद टीवी बंद होता है। तो उससे ये होता है कि इवन इफ यू आर कल्चर के लिए आपकी वाइफ ट्राइंग टेल यू समथिंग, आपकी आंखें तो सामने जा रही है टीवी की तरफ। तो ये आपको सोचिए कि मैनर्स के हवाले से इसके ऊपर अजीब चलती है कि देखा घरों से जब भी बात किया करता था तो आप पूरे काम छोड़ के उसकी तरह मतवजा हो जाते थे और जल भी होते थे बैठ जाया करते थे उसके सामने, हाँ भी क्या कहना है। उस जमाने में इन बातों का कोई बिजनेस जार्जन या कोई साइकोलॉजिकल जार्जन नहीं था, इसका बॉडी लैंग्वेज हम कह देते हैं कि उसकी तरफ